अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। तो ये ब्लॉग जो है ना, ये पहले का बना हुआ है रेसिपी वाला। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के साथ एक अनोखी रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ। मेरी खुद की रेसिपी है बनाई हुई पर्सनल। तो ये चिकन का जो ग्रेवी है, ये कुछ अलग अंदाज में मैं बना रही हूँ अपने स्टाइल में। मुझे नहीं लगता कि YouTube पर पहले किसी ने ये रेसिपी ट्राई की होगी या बनाई होगी। एक बार मैंने ये वाला सालन है ना ढाबे पर खाई थी, मतलब गाँव में जाने के टाइम पर ढाबे पर खाई थी, तो मुझे एक अंदाज़ा लग गया था। और उसके बाद से फिर मैंने ना इस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर ऐसे मतलब बनाते बनाते फिर ना ये परफेक्ट बन गई। तो यहाँ पर है ना, मैंने बड़े बड़े लहसुन बहुत सारे छील के रख लिए थे, ठीक है, 5-7-8 से भी ज़्यादा मतलब छील के रख लिए थे मैंने लहसुन। तो वो लहसुन को ना इस तरह की खिसनी से मैंने खींच लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मतलब ऐसे चॉप हो गए हैं माशाल्लाह। तो अब जो है ना, कांदा भी मैंने जो है कट करके रख लिया है अच्छे से। तो कांदे को भी इस तरह से मैं खींच रही हूँ। तो ये जो चिकन का जो ग्रेवी आप हम बनाने वाले हैं, आप लोग धीरे धीरे देखते जाइए इसमें मैं किस तरह से मतलब सारे सामान ऐड करूँगी। और उसके बाद जो है ना, हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन जो है, चिकन की ग्रेवी जो है तैयार हो जाएगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना कांदा क्यों खींच रही हूँ मैं, ये बिल्कुल कांदा आपने डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बेशक पूरा कांदे से ही ज़्यादा बनने वाली ग्रेवी है हमारी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारा कांदा खींच लिया है, मतलब छील के रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर खींच रही हूँ खींचने से बहुत सारे कांदे को। बाहर बारिश बहुत हो रही है, इसलिए शायद बारिश की आवाज़ आप लोगों को आ सकती है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश की आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन मैंने ना 5 से 6 कांदे यहाँ पर मैंने धो के रख लिए थे। वो सारे कांदों को मैं, आप लोग सोच रहे हैं हाथ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है ना इतना पतला पतला कट नहीं होता है मुझसे। तो ये मशीन से जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पतला पतला एकदम कांदा कट हो जाता है। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे मतलब गलाओगे ना, तो बहुत जल्दी गल भी जाता है, और इसका ब्रिस्ता भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इस तरह से बनाओगे ना, तो ब्रिस्ता बहुत माशाल्लाह बनता है। तो ये इस तरह से मैंने ना बहुत सारे कांदे खींच लिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा ले लिया मैंने, और उस अदरक के टुकड़े को भी मैं इसी तरह से खींच रही हूँ, ठीक है। और आप इसको कूट के भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको खींचने के बाद कूटूँगी, क्योंकि जब आप खींचने के बाद कूटूँगी ना मैं इसको, तो क्या होगा कि ये अदरक जो है ना मुँह में नहीं आएगी, मतलब जैसे होता है ना धस्सी के साथ मुँह में आ जाती है, तो वैसे फिर ये मुँह में नहीं आएगी। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लग रही है इसको बनाने में, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा ये लजीज लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और बिल्कुल भी मिस मत करना इस रेसिपी को। थोड़ा भी वीडियो को छोड़ के मत जाना, अगर जाओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनने वाली है आपकी, अगर आप लोग इसको बनाओगे तो सही तरीके से। और आप इसको कुकर में बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अगर आप इसको कुकर में बनाओगे तो इसको बार बार चला नहीं पाओगे। अगर चला नहीं पाओगे, ये देख सकते हैं आप लोग अदरक कितने अच्छे से बारीक कूट गई है, मतलब अच्छे से मैंने इसको कूट लिया खींचने के बाद। आप लोग पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के वो मज़ा नहीं आएगा जो इस तरह से बनाने में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, उस तरह से आप बनाइए, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा आपका खाना। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। और हल्दी फिर से थोड़ी सी डाल दी मैंने। अब यहाँ पर इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे डाल दीजिए। थोड़ा सा ज़ीरा हम इसमें डालेंगे, काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा नहीं, ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालेंगे हम इसमें, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर 2-3 काली मिरी, थोड़ा सा चक्री फूल का एक फूल डाल रही हूँ। और जो है ना, ये चिकन की जो रेसिपी है, अगर आप लोग बना रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी जो है कैसी बनी, ठीक है। तो धनिया पाउडर एक्चुअली मैंने लेकर आई थी, लेकिन मैंने ना इसको डब्बे में नहीं डाली थी खोल के, तो मैं इस तरह से फिर अभी पैकेट फोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया। मैं सारी चीज़ें ना आज अंदाजे से ही डाल रही हूँ। अपने चिकन यहाँ पर मेरे पास 1/2 किलो चिकन मैंने ले लिया, 1/2 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर घर की जो कुटी हुई मिर्ची है वो डालेंगे हम, थोड़ा सा एवरेज का तीखा लाल भी डालेंगे। अगर आपके पास घर की कुटी हुई लाल मिर्ची नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एवरेज का तीखा लाल ही यहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा एवरेज का तीखा लाल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी काली मिरी ऐड करेंगे कुटी हुई, जो कि मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। और यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली टमाटर नहीं थे, तो आधा टमाटर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने वही इसमें जो है डाल दिया। और यहाँ पर हमारे पास चिकन मसाला है, थोड़ा सा चिकन मसाला मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल,
जितना तेल हमें सालन बनाने के लिए लगता है ग्रेवी बनाने के लिए, उतना ही तेल इसमें डालेंगे, ना ज़्यादा ना कम। तो अब इसको इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। कांदा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा लिया है, तो आपको भी ना बहुत ज़्यादा इस तरह से कांदा लेना है, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स जब ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है गैस पर रख लेंगे पकाने के लिए। अब यहाँ पर जो है ना चिकन का थोड़ा सा फ्राई किया हुआ तेल है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। चिकन फ्राई किया हुआ तेल जो है ना रखती हूँ मैं हमेशा साइड में रखती हूँ, तो वो कभी कभी सालन में डाल देती हूँ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सारे मसालों के साथ जो है मतलब चिकन फ्राई होता है ना, तो वो तेल में जो है अपना स्वाद थोड़ा सा छोड़ जाता है, तो वो तेल अगर डालेंगे सालन में तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कांदा और डालूँ मैं मसाले के लिए, तो मैंने और कांदा इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पर इसको रख दीजिए गैस के ऊपर, और ये देखिए कैमरे को जूम आउट करके मैं दिखा रही हूँ किस तरह से दिख रहा है अभी फ़िलहाल। हाँ, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आपने, ठीक है। अगर आप पानी डालोगे तो आपकी जो सालन है वो बिगड़ सकता है। ग्रेवी के लिए अगर आप बना रहे हो तो आप फिर मसाला वाला पीस के बनाइए। ये एकदम सूखा बनाऊँगी मैं, चिकन भूनेंगे हम इसको सिर्फ मसाले में। तो ये कांदा जो है ना अभी जो आप लोगों को अक्खा अक्खा नज़र आ रहा है, ये कुछ टाइम बाद एकदम पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद है ना एकदम ये ग्रेवी टाइप बन जाएगा, एकदम सूखा भुना हुआ चिकन बन जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा लजीज लगने वाला है ये खाने में। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा बना था ना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा। और उम्मीद करती हूँ आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, तो मैंने सोचा कि मैं जब रेसिपी बना ही रही हूँ तो अपना कैमरा चालू रखने में क्या जाता है, तो कैमरा चालू ही था मेरा। और कल काफ़ी सारे लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि क्या हो सकता है क्या हो सकता है। एक्चुअली क्या है ना, मैं मुझे भी आप लोगों को बताने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ जो भी है सरप्राइज, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस्ट करो। और इस चीज़ पर ना मेरा बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया, गेस्ट देखो अनपढ़ ये सब कुछ नहीं होता है, अभी इंसान के मुँह से निकल जाता है, गलती से निकल जाता है। हाँ, मैं हूँ अनपढ़, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। जैसी भी हूँ अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जितना भी अल्लाह ने नवाजा है, जितना भी पढ़ी लिखी हूँ जो भी है, वो भी अल्लाह का शुक्र है। अनपढ़ तो नहीं हूँ ना, अगर मुँह से गलती से अगर कुछ निकल जाता है तो इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। और एक जो है का बहुत ज़्यादा हमेशा बैड कमेंट करती है, अनपढ़ जाहिल गवार, ब्लॉग बनाने नहीं आता, ये नहीं वो नहीं। तो अभी मैं जाने वाली हूँ साइबर में, और मैं खुद इसी से सीखूँगी कि कैसे मुझे बनाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी बोलेगी। आप इसके पिछले कमेंट देखो सारे जाके, ये हमेशा बैड कमेंट ही करती है। हमेशा मैंने कुछ भी कुछ बोला नहीं कि छोड़ो जाने दो, लेकिन आज मैंने उसको रिप्लाई किया, आप लोगों ने देखा भी होगा। हाँ, किसी एक ने और कमेंट किया था कि नहीं सिस्टर आप ऐसे नहीं होता है, आप अच्छे से बोलो एक तरीके से तो कुछ नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ को एकदम ऐसे जलन और ठसन के साथ बोलोगे तो ऑब्वियसली किसको भी गुस्सा आएगा, किसी को भी बुरा लगेगा, है ना। मैंने कितनी बार बोला है, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन है ना लोग समझते नहीं है। लेकिन इस चीज़ का अजर ना ज़रूर मिलता है उन लोगों को, अल्लाह ताला ना ज़रूर देते हैं इस चीज़ का अजर, ज़रूर देते हैं। और समझ में भी आता होगा, एक सेकेंड के लिए भी सोचते नहीं है कि किसी को बुरा लगेगा, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं किसी को हर्ट हो सकता है, किसी को बुरा लगता है। दो मिनट नहीं लगता है तुम लोगों को कमेंट लिखने के लिए, बैड कमेंट लिखने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए, लेकिन उसका असर हम लोग पे कितना होता है, कितना बुरा लगता है हम लोगों को, कभी सोचा है? अगर कोई अगर इन लोगों को अगर ऐसे कुछ बोल के जाए तो नहीं, ये इंसान है ना, हम इंसान नहीं है, मतलब इनका मतलब ये है कि हम इंसान नहीं है, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इन जैसे लोगों को ना मुझे सबक सिखाने बहुत अच्छी तरह से आता है, तो मैं ज़रूर देखना किसी ना किसी एक को तो सबक सिखाऊंगी जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के 3-4 लोगों के नाम लिस्ट में डाल के रखे हैं, बस थोड़ा सा ये ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। लेकिन ज़रूर मैं आप लोगों को पूरा वीडियो भी बना के बताऊँगी, ज़रूर जाऊँगी और इनकी कंप्लेंट करूँगी साइबर में, तब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं चिकन को जो है ना बीच बीच में चला रही हूँ, ठीक है। तो ये व्लॉग नहीं बन रहा है एक्चुअली, ये रेसिपी थी, तो मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो गया था वीडियो। तो फिर से एक बार देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया है चिकन ने अपना, ये जो ग्रेवी थी, क्योंकि चिकन जब हम धोते हैं ना तो उसका भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, और फिर कांदे का भी पानी निकलता है, मसाले होते हैं। तो इसमें और एक चीज़ जाएगी, अभी ऐसा नहीं है कि इतने में बस, इसमें हम योगर्ट डालेंगे, मतलब दही डालेंगे हम इसमें, लेकिन दही मैंने पहले नहीं डाला क्योंकि फिर दही जो है ना, दही से जो है नीचे चिटक जाता है सालन, इसके लिए दही मैंने पहले नहीं डाली। तो दही हम इसमें बाद में डालेंगे जब हमारा चिकन जो है गल जाएगा, क्योंकि दही जो है ना चिकन को गलने नहीं देता है।
जो खट्टी चीज़ें होती है ना वो गलने नहीं देती कोई भी चीज़ को, ये जिसका ध्यान रखिएगा आप लोग कभी भी। तो इसके लिए जो है ना मैंने दही अभी इसमें ऐड करी, आप लोग देख सकते हैं दही जो होता है ना वो क्या करता है तेल भी पूरा चूस लेता है, मतलब अगर आप दही डालोगे ना सालन में आपको फिर तेल नज़र ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने सालन में तेल ही नहीं डाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तेल हमारे सालन में होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता। अभी इसको और सुखाएंगे हम लोग, तो ये देख सकते हैं आप लोग, मतलब बीच बीच में मैं चेक कर रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि मतलब कैसा बनाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो चिकन ग्रेवी है वो रेडी है, मसाले वाला चिकन, भुना चिकन रेडी, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो बोल सकते हो, तो मेरे लिए तो ये एकदम भुना हुआ चिकन है, लजीज चिकन। तो मेरे को ये रेसिपी बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो आप लोग है ना ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, कमेंट करना मुझे बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ताकि आने वाली हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं अभी सारा। तो यहाँ पर है हमारे पास बढ़िया सी गर्मा गर्म रोटी, तो लेकिन आज हम लोग इस वाली प्लेट में हमारी जो ग्रेवी है ना इसको सर्व करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए कैसी लगी आप लोगों को इसकी रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा बनाए रखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या रेसिपी के साथ कुछ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।